नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल प्रिंस होम डिजाइनर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेयर के नीचे वाली जगह को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब आप किस तरह से इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी सीढ़ी है, इसके नीचे यहाँ पर हमारा अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम बना हुआ है। तो किस तरह से आप अपने स्टेयर के नीचे इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, हम आपको दिखाएंगे कि आप भी अपना किस तरह से स्टेयर के नीचे अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम बना सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये जो फर्स्ट फ्लाइट की सीढ़ी है, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है और वहाँ पर हमको दोस्तों ये हमारी लैंडिंग है, यहाँ पर हमको लैंडिंग मिल जाती है। यहाँ से हमारी 5 फीट हाइट तक यहाँ हमको लैंडिंग मिल जाती है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ से हमारी सेकंड फ्लाइट की सीढ़ी स्टार्ट होती है जो हमको हमारे रूफ यानी छत पर ले जाती है। तो इसी सेकंड फ्लाइट की स्टेयर के नीचे यहाँ पर हमारा देख सकते हैं अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम बना हुआ है। तो आप भी किस तरह से स्टेयर के नीचे वाली जगह को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो की स्किप ना करें, चलते हैं देख लेते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर अपना अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम बनवाया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सामने वाली पूरी विड्थ तो दिखती है, यह आपको 14 फीट मिलती है। तो 14 फीट में यहाँ पर आपको 3 फीट में यहाँ पर गैप मिलता है, ताकि इससे आप हो करके अपने वहाँ पर देख सकते हैं आपको डोर मिलेगा। यहाँ पर आपको डोर लगेगा, इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम में। तो यहाँ पर हमने पहले 3 फीट का हमने गैप रखा है और हमने डोर वहाँ से दिया है, आप देख सकते हैं। सामने से ना दे करके हमने डोर अपना अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम का इस तरफ से दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 फीट का गैप मिलता है और यहाँ पर आपको जो लैंडिंग मिलती है वो 3 फीट 6 इंचों में लैंडिंग मिलती है। तो यहाँ पर आपको 3 फीट 6 इंचों में लैंडिंग मिलती है। तो 14 फीट में से हमारा 6 फीट 6 इंच माइनस हो गया, तो हमारी जो जगह बची है वो हमारी 8 फीट 6 इंच है। तो 8 फीट 6 इंच में किस तरह से यहाँ पर हमने अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम बनवाया है, चलते हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने से डोर ना देकर यहाँ से हमने डोर दिया, देख सकते हैं यहाँ से हमारा डोर है 6 फीट हाइट का एंड 2 फीट 6 इंच विड्थ का, यहाँ पर आपका डोर लगेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से देख सकते हैं आपका अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम बना हुआ है। दोस्तों वहां पर देख सकते हैं आपकी लैंडिंग मिलती है। उसके बाद फिर ये हमारी सेकंड फ्लाइट की स्टेयर ऊपर की तरफ जो हमको हमारे छत पर ले जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ये आपको जो स्पेस देखने को मिलता है, ये आपको 3 फीट 6 इंच ये सामने वाली साइज ऐसे देखने को मिलती है और 4 फीट 6 इंच ये वाली ऐसे साइज आपको लेंथ मिलती है। तो यहाँ पर आपका बाथरूम का ये स्पेस है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंडियन टॉयलेट की सीट यहाँ पर लगी है, इसकी आपको जो विड्थ मिलती है 3 फीट 6 इंच ये वाली विड्थ मिलती है और 3 फीट आपको ये वाली विड्थ मिलती है। तो यहाँ पर आपका इंडियन टॉयलेट की सीट यहाँ पर लगी है और यहाँ पर दोस्तों इस लैंडिंग के नीचे भी हमने एक बुजुर्ग के लिए यहाँ पर हमने एक इस टाइप की यहाँ पर हमने एक सीट बनवाई है बैठने के लिए। तो आप भी कुछ इस तरह से कोई बुजुर्ग हो आपके घर में तो आप भी कुछ इस तरह से अपनी सीट बनवा सकते हैं। तो ये भी आपकी जो ये वाली सीट पीछे जो आपका स्पेस है इसी लैंडिंग के नीचे देख सकते हैं, इसी लैंडिंग के नीचे आप कुछ इस तरह से ये वाली भी इंडियन सीट आप लगवा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम था स्टेयर के नीचे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस में यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस में अवेलेबल यहाँ पर है। तो आप भी कुछ इस तरह से अपने स्टेयर के नीचे वाली जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक लगातार पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।